और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां 500 किलो मिलावटी पनीर का जखीरा पकड़ा गया है। खाद्य आयुक्तालय की सेंट्रल टीम की गलता गेट पर बड़ी कार्रवाई। आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एसएन धौलपुरिया के निर्देशन में कार्रवाई। शर्मा पनीर भंडार पर छापे के दौरान 500 किलो से अधिक मिलावटी पनीर मिला। प्रथम दृष्टया मिलावटी पनीर की पुष्टि होने पर पूरे माल को नष्ट करवाया गया और कार्रवाई करने वाली टीम में एफएसओ विनोद शर्मा, देवेंद्र सिंह और लोकेश शर्मा शामिल। तो शर्मा पनीर भंडार पर खाद्य विभाग की कार्रवाई रही, जहां से 500 किलो से अधिक मिलावटी पनीर को नष्ट करवाया गया। जैसे ही ये पुष्टि हुई कि मिलावटी पनीर है, पूरे ही माल को नष्ट करवाया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में एफएसओ विनोद शर्मा, देवेंद्र सिंह और लोकेश शर्मा शामिल। जयपुर से ये बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, मिलावटी खाद्य पदार्थों का जो गोरख धंधा है, कहीं ना कहीं हमेशा कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मामले जो हैं, ऐसे खबरें जो हैं, लगातार सामने आती हैं। किस क्या कुछ इनपुट मिला और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई? देखिए मनीषा, जिस तरह से भारत के अंदर जब त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाता है या शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में जो पनीर है, मावा है, वो सस्ते दामों पर मिलता है, और सस्ते दामों पर मिलता है तो कहीं ना कहीं शक भी जाहिर किया जाता है। तो ऐसे में क्या है कि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो फिर कालाबाजारी मिलावटी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते टीम ने ये कार्रवाई की। और ये जो कार्रवाई है, इसको पूरे अभियान को बोला गया है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर इस तरह का ये अभियान लगातार जारी है दशहरे के बाद से, और आज ये गलता गेट पर कार्रवाई की गई। इसके अंदर 180 रुपए प्रति किलो के दर से ये पनीर खरीदा गया था शर्मा पनीर भंडार से, और इनके जो मालिक है दिनेश शर्मा, इनके अनुसार ये बताया गया कि जो पनीर है वो रिटेलर के द्वारा जोहरी बाजार रामगढ़ जी इलाके में सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में स्थानीय जो वहाँ के लोग है, जो वहाँ से खरीदारी करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अगर पूरी टीम की बात करें तो 500 केजी जो दूषित पनीर है उसको पकड़ा गया और उसको मौके पर ही नष्ट भी कराया गया। पूरा इस टीम के अंदर आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा और संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एस एन धौलपुरिया का विशेष योगदान रहा। इसके अलावा जो डीएफओ है वहाँ के इंस्पेक्टर, जांच में की गई कार्रवाई, उसके अंदर विनोद शर्मा शामिल रहे। तो ऐसे में लगातार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी मनीषा, चलिए प्रमोद, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मिलावटी पनीर को लेकर ये कार्रवाई की गई है खाद्य आयुक्तालय की ओर से, ये बड़ा एक्शन।